अपोजिशन पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडिया ने गोदी मीडिया के उन 14 स्टार एंकर्स का बायकॉट कर दिया है जो दिन रात सिर्फ नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जल्द ही कुछ और नफरती एंकरों के भी बायकॉट का ऐलान करने वाला है। सिर्फ यही नहीं, विपक्षी पार्टियां गोदी मीडिया को बड़ा झटका देने के लिए वे उनकी आमदनी भी बंद करने की तैयारी में लग गई हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल 26 पार्टियों ने 10 चैनलों के 14 एंकरों के बायकॉट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की एक लिस्ट भी जारी की है। इन एंकर्स के नाम भारत एक्सप्रेस के आदित्य त्यागी, TV18 के अमन चोपड़ा और अमीश देवगन, CNN न्यूज 18 के आनंद नरसिम्हा, रिपब्लिक के अर्णब गोस्वामी, दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव, आज तक के सुधीर चौधरी और श्वेता त्रिपाठी, इंडिया टुडे के गौरव सावंत और शिव अरूर, टाइम्स नाउ की नविका कुमार, इंडिया टीवी की प्राची प्राशर, भारत 24 की रूबिका लियाकत और नव भारत के सुशांत सिन्हा हैं। ये सभी अपने अपने चैनल के प्रोग्राम होस्ट करते हैं और खबरों के नाम पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का गुणगान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। शाम होते ही गोदी मीडिया के नफरती और जहरीले एंकर अपनी जहर की दुकान खोल लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। ये धंधा 2014 से चल रहा है और नफरत का ये बाजार बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ जो नफरत और जहर नज़र आता है, उसे फैलाने में गोदी मीडिया और उसके इन एंकर्स का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए रवीश कुमार पिछले कई बरसों से लोगों से टीवी न्यूज़ चैनल नहीं देखने की अपील करते आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के इन एंकरों के बायकॉट का ऐलान और भी पहले करना चाहिए था। नफरत मुक्त भारत बनाने के लिए इन नफरती एंकरों पर लगाम लगाना सबसे ज़रूरी है। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, वैसे पिक्चर अभी बाकी है। 14 एंकरों के बायकॉट की जो लिस्ट जारी की गई है वो अभी अधूरी है। इंडिया गठबंधन उस लिस्ट में कुछ और नाम शामिल करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन जल्द ही एक और लिस्ट जारी करेगा जिसमें दीपक चौरसिया, विकास भदौरिया, राहुल शिवशंकर और श्वेता सिंह का नाम भी शामिल होगा। यानी 26 विपक्षी पार्टियां अब इनके प्रोग्राम का भी बहिष्कार करेंगी। इन पार्टियों के नेता इन एंकरों के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन ने नफरती एंकरों पर लगाम लगाने की कोशिश करने के साथ साथ गोदी मीडिया के मालिक धन्ना सेठों को बड़ा झटका देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस झटके से यकीनन गोदी मीडिया और उसके सेठ हिल जाएंगे। ये तो तय बात है कि गोदी मीडिया पैसों के लालच में ही नफरत फैला रहा है, इसलिए 26 अपोजिशन पार्टियों ने उनकी कमाई पर चोट लगाने का फैसला किया है। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है, उन राज्यों की सरकारें गोदी मीडिया को विज्ञापन देना बंद कर देंगी, जिससे गोदी मीडिया को सैकड़ों करोड़ रुपये का घाटा होगा। ये चोट यकीनी तौर पर बहुत गहरी होगी और इससे गोदी मीडिया तिलमिला उठेगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में TMC, बिहार और झारखंड में महागठबंधन, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और केरल में लेफ्ट की सरकार है। इन राज्यों की सरकारों से गोदी मीडिया को विज्ञापन की शक्ल में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये की कमाई होती है। चुनाव के वक्त तो ये कमाई कई गुना बढ़ जाती है। विपक्षी पार्टियों की सरकारों से करोड़ों के विज्ञापन लेने के बावजूद मीडिया सिर्फ BJP का ही गुणगान करता है और विपक्ष को कोसता रहता है। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने भी अब गोदी मीडिया को अंगूठा दिखाने का फैसला कर लिया है। इंडिया गठबंधन को एहसास हो गया है कि अगर BJP को हराना है तो उसे पहले गोदी मीडिया को हराना होगा। इसलिए फिलहाल 14 एंकरों के बायकॉट का ऐलान कर इंडिया गठबंधन ने बता दिया है कि 2024 के चुनाव के लिए वो अभी से तैयार है। मजे की बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार किया है और तिलमिलाहट BJP को हो रही है। BJP इसे मीडिया पर हमला बता रही है।
लेकिन बीजेपी इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि उसने एनडीटीवी का बरसों तक बायकॉट क्यों किया था। बीजेपी की इस रवैये से एक बार फिर गोदी मीडिया के साथ उसकी सांठगांठ दुनिया के सामने आ गई है।